नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेढ़ॉग। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M40 जो रिसेंटली लॉन्च किया गया स्मार्टफोन है, और यहां पर आपको देखने को मिलता है बहुत सारा नया नया हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। जहाँ तक इंटरनल देखा जाए, यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड 9 विच इज़ एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वन यू आई 1.1। ये नया यूजर इंटरफेस है सैमसंग का, जहाँ पर आपको बहुत कुछ नया करने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं यही नया सैमसंग गैलेक्सी M40 का हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया यार, एकदम फ्री है। उसके साथ साथ घंटी भी दबा दो, जो भी एकदम फ्री है। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के बारे में दिखा देता है। पिंच इन करने के बाद नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, वॉलपेपर, थीम्स, विजेट एंड होम स्क्रीन सेटिंग्स। यहाँ पर वॉलपेपर आप बहुत सारा डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कुछ है। थीम्स है, उसके बाद आइकॉन्स है, अगर आप चाहे तो आइकॉन पैक भी डाउनलोड करके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है होम स्क्रीन ग्रिड। तो अगर आप चाहे तो ज़्यादा आइकॉन या फिर कम आइकॉन आप जितना चाहे वैसे रख सकते हैं, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐप स्क्रीन ग्रिड भी यहाँ पर आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए जितना भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ ऑप्शन है, ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉयर आ जाता है, नीचे से ऊपर करेंगे तब भी आपका ऐप ड्रॉयर आ जाता है। तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सिंपली पिंच इन करके होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद ओपन क्विक नोटिफिकेशन पैनल, जी हाँ ये वाला ऑप्शन को आप इनेबल कर दो। तब क्या होगा, नीचे से ऊपर करेंगे आपका ऐप ड्रॉयर आएगा, ऊपर से नीचे करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल आएगा। कभी कभी क्या होता है, एक हाथ से अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, काफ़ी बड़ा स्क्रीन है, तब इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आप जब एक हाथ से इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर और एक ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपली आप होम स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पर आपका रोटेट लैंडस्केप मोड, ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑटो रोटेशन आपका ऑन है, उसके बाद जब भी आप इसको साइड करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का आपका देखने में काफ़ी कूल लगता है, लगभग एक डेस्कटॉप टाइप का फील यहाँ पर आपका आ जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर और एक ऑप्शन अवेलेबल है सेटिंग्स में जाने के बाद, हाइड ऐप का ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर टैप कर दो, वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपका हाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो अनहाइड भी कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन पैनल को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस प्रकार का है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। स्टार्टिंग करते हैं स्टेटस बार से। स्टेटस बार में जाने के बाद यहाँ पर आप चाहते हैं 3 नोटिफिकेशन चाहते हैं, लेट्स या फिर ऑल नोटिफिकेशन चाहते हैं, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कोई भी बैटरी परसेंटेज नहीं है, तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जा सकते हैं यहाँ पर बटन ग्रिड पे। ग्रिड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको कितना चाहिए, 4:3 चाहिए या फिर 5:3 चाहिए। तो जैसे भी आप करेंगे उसके हिसाब से आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वैसे अलाइंड हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हल्का फुल्का कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। इस डिवाइस का एक यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन है, नोटिफिकेशन पैनल पे आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर सर्च में आप क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे फोन के अंदर जो भी चीज़ें सबको सर्च करके आपको रिजल्ट दे देगा। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, मेल्स, सभी चीज़ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई एप्लीकेशन भी नहीं मिल रहा वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस डिवाइस में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया है, एक है आपका नहीं पहले हम जाते थे नोटिफिकेशन पैनल पे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका NFC, जी हाँ NFC का फीचर इस डिवाइस में दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिया गया है और एक ऑप्शन, विच इज़ है डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस जनरली जब भी आप हेडफोन लगाते हैं तभी आप डॉल्बी एटमॉस का जो फीचर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो फीचर अवेलेबल है, एक है आपका NFC, दूसरा है आपका डॉल्बी एटमॉस, जो काफ़ी अच्छी बात होता है। NFC काफ़ी सारे डिवाइसेज में मिसिंग था सैमसंग में, लेकिन M40 में फाइनली आपको NFC मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको NFC मिलता है, खाली यही नहीं, अगर आप चाहते हैं तो NFC पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। कनेक्ट के अंदर जैसे आप देख पाएंगे NFC पेमेंट का ऑप्शन, तो अगर आप चाहे तो NFC पेमेंट के मदद से भी इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नो डाउट काफी एक अच्छा एड ऑन है। नीचे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको 3 नेविगेशन बटन्स देखने को मिलते हैं, इसको आप आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप ऊपर से नीचे करो, यहाँ पर आपको मिल जाता है नेविगेशन बार का ऑप्शन, प्रेस एंड होल्ड करो, करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। या तो आपको फुल स्क्रीन जेस्चर आप कर सकते हैं जहाँ पर जैसे ऐसे रहेगा आपका, या फिर आप अगर नीचे का जो बटन्स है उसको अगर आप चाहते हो चेंज करना वो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वन टैप में आप इसको चेंज कर सकते हैं, सिंपली आप नोटिफिकेशन में जाके एक बार टैप करो, जैसे ये हाइट हो गया, फिर से टैप करो जैसे वो वापस आ गया। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप जैसे भी आप चाहे तो वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग दिखा देते हैं। तो ये आ रहा है आपका मल्टीटास्किंग का लेआउट कुछ इस प्रकार का है, नीचे करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, और अगर आप इसको
ऐसे ऊपर करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे आपको देख पा रहे हो ऊपर आपका एक आइकॉन बना हुआ है, हर एक चीज़ का एक आइकॉन बना हुआ है। सिंपली आप यहाँ पर प्रेस करो, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलता है जो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप इन्फो स्प्लिट स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉपअप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज एस्पेक्ट रेशियो कर सकते हैं, या फिर लॉक स्क्रीन या फिर लॉक दिस ऐप भी कर सकते हैं। लॉक दिस ऐप मतलब क्या होता है, ये वाला यहाँ पर आपका एक लॉक साइन आ जाता है। उसमें क्या होता है, जब भी आप इसको क्लियर ऑल करते हैं सब क्लियर हो जाता है, लेकिन ये वाला रह जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन को रख देना वो आप कर सकते हैं। फिर से अगर देखते हैं अनलॉक कर देते तो ये वाला चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं ओपन स्प्लिट स्क्रीन विंडो, ओपन पॉपअप, तो पॉपअप पहले देखते हैं। तो पॉपअप जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला आपका पॉपअप है, तो इसको अगर आप चाहे तो दाएं बाएं कर सकते हैं। तो और उसके अगर आप चाहे तो और छोटा करना तो ऐसे आप कर सकते हैं, उसको कहीं पर भी रख सकते हैं। टैप करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा, ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये वाला फीचर्स है, काफ़ी एक यूज़फुल फीचर्स हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर और क्या ऑप्शन है, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप चाहे तो स्प्लिट स्क्रीन में इसको ऑन कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये दो वाला जो एप्लीकेशन है ये आपका स्प्लिट स्क्रीन में चल रहा है, तो ऐसे भी आप स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं, क्रॉस करके इसको बंद भी कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग से आप बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। आप इन तो शायद बहुत को या जो लोग थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुए, यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले दिया गया है। जी हाँ, कोई भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी इनिशियल इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा लगा है। डिस्प्ले में जाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन अवेलेबल है, नाइट मोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जी हाँ, ये टोटली आपका डार्क मोड हो जाता है, जो नो डाउट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है ये वाला ऑप्शन। फ्रंट साइज सिंपली आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड या फिर नॉर्मल आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे तो फुल स्क्रीन ऐप, कौन सा ऐप आप फुल स्क्रीन में चलाना चाहते हैं वो आप यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका होम स्क्रीन। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया होम स्क्रीन जो सेटिंग्स है वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी। टच सेंसिटिविटी आप बढ़ा सकते हैं, ये बेसिकली कब यूज़ होता है, जब आप कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं तब इसको इनेबल करके रखने के लिए बोला गया है, तो टच सेंसिटिविटी आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। स्क्रीन सेवर को अगर आप चाहे तो इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ है जहां से आप अपने डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं। डुअल ऐप का फीचर यहाँ पर आपका अवेलेबल है, सिंपली जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स, डुअल मैसेंजर, सिंपली आप इसको इनेबल कर दो। इनेबल करने के बाद डुअल ऐप आपका आ जाएगा, जैसे ये वाला आपका फेसबुक है, ये वाला आपका और एक फेसबुक है, तो ऐसे आप डुअल ऐप का फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत जेस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जेस्चर का एक अलग ऑप्शन है, एडवांस फीचर में जाने के बाद मोशन जेस्चर मिल जाता है। लिफ्ट टू वेकअप मतलब फ़ोन अगर ऐसा आप उठाएंगे तो वो वाला आपका वेकअप हो जाएगा, वो वाला ऑप्शन अवेलेबल है। स्मार्ट से मतलब जब आप स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे तब ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन रहेगा, वो बंद नहीं रहेगा। उसके बाद है आपका ईजी म्यूट, सिंपली कोई भी कॉल आता है अगर आप ऐसे उल्टा करके रख देते तो वो वाला आपका म्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट कॉल, कोई भी मतलब नंबर ओपन करके जब आप कान में लगाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कॉल हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है वन हैंड ऑपरेशन मोड, सिंपली यहाँ पर आप बटन में कर सकते हैं, तीन बार दबाने से ये आपका वन हैंड मोड ऑपरेशन आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं पसंद है जेस्चर में भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे, तब वो वन हैंड मोड में आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको आप सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट जेस्चर ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर फिंगरप्रिंट से अगर आप चाहे तो सिंपली ऐसे नोटिफिकेशन पैनल को आप ऐसे डाउन कर सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हो। सो ये वाला ऑप्शन भी आपका अवेलेबल है, ऊपर से नीचे मैं कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, तो ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाइप कॉल टू मैसेज, तो ये वाला ऑप्शन तो काफ़ी पुराना है, तो ये सभी फीचर्स आपका अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी M40 में। जी हाँ, मतलब ऐसे आप बहुत कुछ फन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली AR इमोजीज। जी हाँ, AR इमोजीज का ऑप्शन यहाँ पर आपके अवेलेबल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप AR इमोजी जो ऊपर वाला ऑप्शन है इससे आप बेसिकली आपका AR इमोजी क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे तो ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑन सैमसंग गैलेक्सी M40। डिवाइस का यूजबिलिटी जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद है डिजिटल वेपिंग, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस मिल जाता है कि कौन सा चीज़ कितना बार आप इस्तेमाल किए। फॉर एन एग्जांपल 26 टाइम्स मैंने अनलॉक किया है, एंटीटू है, गैलरी है, अदर्स है, सेटिंग्स है, कैमरा है, मैंने क्या क्या कब इस्तेमाल किया, कितना टाइम्स के लिए इस्तेमाल किया है, वो सभी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी डिवाइस को और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे फ्रॉम दिस डिजिटल वेलबींग ऑप्शन। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ कॉल्ड डिवाइस केयर। जी हाँ, डिवाइस केयर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप अपने डिवाइस को और भी क्लीन कर सकते हैं और भी अच्छे से रख सकते हैं। लाइक नाउ इट्स 100% एक्सेलेंट विच इज़ फुल्ली ऑप्टोमाइज्ड। यहाँ पर स्टोरेज है, स्टोरेज आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर कोई जंक फाइल है आप यहाँ पर डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 53 MB के आसपास जंक फाइल है वो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर आपका बाई डिफॉल्ट ऑलरेडी अवेलेबल है दैट यू कैन यूज़ टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिवाइस, एंड दिस इज पावर्ड बाई 360
160 और उसके बाद मेमोरी है, मेमोरी को भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। लेट मी क्लीन इट, और क्लीन करने के बाद मैं एक बार देख लूँ। अच्छा, क्लीन अभी हो रहा है, लेट मी वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। और ये आपका हो गया है क्लीन, लगभग 838 MB आपका क्लीन कर दिया है। सो आउट ऑफ 6 GB अभी अगर देखा जाए यहाँ पर खाली है, लगभग 2.7 GB के आसपास। जी हाँ, लगभग 2.5-3 GB के आसपास यहाँ पर आपका खाली है। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी स्कैन भी अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक्टिवेट करके रख सकते हैं, फ़ोन को स्कैन कर सकते हैं। अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड भी आप अगर चाहे तो इनेबल करके रख सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है पंच होल डिस्प्ले वाला कैमरा। जी हाँ, यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है। और अगर मैं कैमरा को ऑन करता हूँ, यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही अच्छा एक एनिमेशन जब आप कैमरा को चेंज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, जब भी आप कैमरा को सेल्फी में लाएंगे तब भी वहाँ पर आपको एक हल्का सा एनिमेशन देखने को मिलता है, जो देखने में नो डाउट काफ़ी क्यूट लगता है, इज़न्ट इट। अगर आप ब्राइटनेस हमेशा कंट्रोल करते हैं, बाहर अंदर ऐसे अगर करते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे एक बार स्वाइप करेंगे यहाँ पर आपको कुछ कुछ ऑप्शन मिलेगा, दो बार स्वाइप करेंगे तब नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप अपने ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक एरो मिलता है, इसको क्लिक करने के बाद अगर आप शो कंट्रोल ऑन टॉप अगर आप इसको इनेबल कर देंगे, डन कर देंगे, तब एक अच्छा चीज़ क्या होगा, जब भी आप एक बार ही स्वाइप करेंगे तब भी यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है जो पहले आपका नहीं मिल रहा था। तो ये वाला ऑप्शन भी आप इनेबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉलिंग का देख लेते हैं, डायरेक्टली आते हैं डायलर पर। यहाँ पर हम लोग जाके चले जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लॉक नंबर, तो अगर आप कोई भी नंबर से कॉल या मैसेज ले लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं, वो नंबर ब्लॉक में चला जाएगा। रिकॉर्डिंग कॉल्स यहाँ पर आपका है, नोटिफिकेशन मिलेगा मतलब आप रिकॉर्ड करना चाहता है कि नहीं, या फिर ऑटो रिकॉर्डिंग कॉल भी इनेबल कर सकते हैं, मतलब जो भी कॉल आएगा वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ये जनरली रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स कॉल है वो आप बाद में जाके सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और एक ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ एंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। यहाँ पर आपको दो चार अलग अलग ऑप्शंस मिल जाता है। स्टार्टिंग अगर करते हैं, यहाँ पर आपका रीड कॉलर नेम, मतलब जो भी कॉल करेगा उसका नाम चिल्ला के बोलेगा, मतलब ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे। पॉपअप वॉल्यूम टू आंसर कॉल, ये भी मुझे नहीं लगता सही ऑप्शन है। आंसर ऑटोमेटिकली, ये तो हम लोग नहीं चाहते हैं। प्रेस द पावर की टू एंड कॉल्स, ये भी हम लोग कभी कभी चाहते हैं, कभी कभी नहीं चाहते। जो भी है, यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से शायद मोस्ट ऑफ द ऑप्शन मैं इस्तेमाल ना करूँ, ये बाकी आपके ऊपर। एक्चुअली गैलेक्सी M40 में आपको 3D टच का ऑप्शन मिल जाता है, प्रेस एंड होल्ड करके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेस करने को मिलेगा। यहाँ पर माई ऐप में जा सकते हैं, या फिर अगर कोई भी एप्लीकेशन में जो सब है यहाँ पर आप कंपोज में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा कुछ है जो आप कर सकते हैं, बिना उस ऐप को खोले आप उस ऐप के अंदर घुस सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहाँ पर जा सकते हैं। नीचे से ऊपर करेंगे तब आपका ऐसे ऐप ड्रॉयर आ जाएगा, ऊपर से नीचे करेंगे ऐप ड्रॉयर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर डेडिकेटेड ऐप ड्रॉयर का बटन, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग में जाओ, ऐप बटन आप ऐड कर दो, सिंपली यहाँ पर आपका ऐप ड्रॉयर का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे से करेंगे तब भी आपका आएगा, लेकिन डेडिकेटली एक ऐप ड्रॉयर का बटन यहाँ पर आ जाएगा। एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली आप होम स्क्रीन पर जाओ और यहाँ पर आप ऐक आइकॉन बैजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर इसको इनेबल कर देते, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक आप क्या चाहते हो, एक चाहते हो आप डॉट, मतलब एप्लीकेशन में कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो डॉट दिखाई देगा, और अगर आप चाहते हो कि नंबर, तो यहाँ पर नंबर भी शो करेगा कि पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन में कितने सारे नोटिफिकेशन आए हैं। तो यहाँ से भी आप अगर चाहे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर और दो ऑप्शन है जो काफ़ी यूजफुल है अगर आप अपने डिवाइस को और भी अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं। एडवांस फीचर्स के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है स्मार्ट पॉपअप, मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से ये मैसेज अगर कोई आता है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप में चला जाएगा, वहाँ पर टैप करके आप डायरेक्टली वही एप्लीकेशन के ऊपर, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर आप रिप्लाई कर पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप जो भी एप्लीकेशन चाहते हो उसको आपको इनेबल करके रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बेसिकली बाय डिफॉल्ट सब में इनेबल करके रखा हूँ, जनरली ये सभी में आपका डिसेबल रहता है, आपको खुद से इसको इनेबल करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है रिड्यूस एनिमेशन। रिड्यूस एनिमेशन ऐसा ऑप्शन है, जैसे ये अलग अलग ऐसे एनिमेशन होता है, अगर आप चाहते हो उस एनिमेशन को आप कंट्रोल कर सकते या फिर कम कर सकते, उससे क्या होगा आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी ये वाला जो एनिमेशन हुआ, जैसे अगर मैं इसको रिड्यूस एनिमेशन कर देता हूँ, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कोई एनिमेशन नहीं है डायरेक्ट आ जाता है, तो इसमें क्या होता है रिस्पॉन्स जो टाइम होता है वो आपका बढ़ जाता है। अगर आप चाहे तो ऐसे भी इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको गेम लॉन्चर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जी हाँ, अगर आप चाहते तो गेम लॉन्चर को इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर सभी गेम जैसे आपका आ गया है, तब जब आप यहाँ पर खेलेंगे तो आपका गेम और भी बूस्टअप हो जाएगा, और भी एनर्जाइज हो जाएगा, और आप अपने गेम को कॉपी कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन को, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, जिस टाइम में आपका गेम खेलेंगे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रॉम दिस गेम लॉन्चर टू इनहेंस योर गेमिंग एक्सपीरियंस। सो गाइज, जैसे आपने देखा ये था कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी M40। तो अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट
कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड श्योरली ऑन इंस्टाग्राम, विच इज instagram.data15। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।